हल्द्वानी दंगे के बाद प्रशासन एक्शन मोड में है। जिलाधिकारी वंदना सिंह ने गड़बड़ी की आशंका को देखते हुए 120 बंदूकों के लाइसेंस निरस्त कर दिए हैं। हल्द्वानी के बनभूलपुरा में हुई हिंसा के बाद लगातार प्रशासन एवं पुलिस की कार्रवाई जारी है। जिलाधिकारी वंदना सिंह ने बताया कि हल्द्वानी के बनभूलपुरा में अतिक्रमण हटाने के दौरान हुए दंगे के बाद पुलिस ने इस दंगे में शामिल 25 उपद्रवियों को अभी तक गिरफ्तार किया है। डीएम वंदना सिंह ने कहा कि कड़ा एक्शन लेते हुए थाना बनभूलपुरा के अंतर्गत 120 शस्त्र लाइसेंस कैंसिल कर दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि मामले की संवेदनशीलता और हालातों को देखते हुए ये निर्णय करना पड़ा। ऐसे में वहाँ के 120 शस्त्र लाइसेंस कैंसिल हुए हैं। फिलहाल अभी वहाँ पर कर्फ्यू जारी है, लेकिन ज़रूरत के सामान को प्रशासन द्वारा वहाँ के रहवासियों को उपलब्ध करवाया जा रहा है। हल्द्वानी की जो भी अन्य जनजीवन की जो भी चीज़ें होती हैं, बसेज हैं, ट्रेन हैं, एवरीथिंग हैज़ बीन स्टार्टेड अगेन। स्कूल्स खुल गए हैं, बाजार ओपन हो गए हैं, बनभूलपुरा क्षेत्र तक ही सारे रिस्ट्रिक्शन सभी लिमिट करे गए हैं। सर्च ऑपरेशंस वगैरह चल रहे हैं, लोगों को जिन लोगों को चिन्हित किया गया है उनके खिलाफ पुलिस एक्शन ले रही है। अभी कुछ जो शस्त्र लाइसेंसेज हैं उस एरिया के, जो पुलिस रिपोर्ट में हम लोगों को इंटीमेट करे गए थे, वो सारे निरस्त करे गए हैं। अभी फिलहाल के लिए लगभग 120 लाइसेंसेज निरस्त हुए हैं। आगे भी जो इन्फोर्समेंट की एक्टिविटीज़ हैं वो लगातार हम लोग कर रहे हैं। पूरा प्रयास है कि हल्द्वानी में शांति बनी। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।